गुड मॉर्निंग। कल कशेरुकी प्राणी यानी कि कॉर्डेटा फाइलम के जो प्राणी थे वो दो उपवर्गों यानी कि सब फाइलम्स में डिवाइड हुए थे। बताया था नंबर एक प्रोटोकॉर्डेट और दूसरा वर्टिब्रेट। आज जो है वर्टिब्रेट बी नंबर, ई नंबर था प्रोटोकॉर्डेट और बी नंबर है वर्टिब्रेट। वर्टिब्रेट का कशेरुकी जिनमें वर्टिब्रा पाई जाती है, वर्टिब्रल कॉलम पाया जाता है, और ये जो जीव हैं वो द्विपार्श्वसममित यानी इनके शरीर को समान दो भागों में परिवर्तित किया जा सकता है। द्विपार्श्वसममित होते हैं, त्रिकोरकी, त्रिकोरकी मतलब तीन कोरों का इनका शरीर बना होता है, और देह गुहा वाले होते हैं। देह गुहा यानी कि विकसित देह गुहा पाई जाती है। जो नोटोकार्ड है वो केवल भ्रूणावस्था में, जिस समय भ्रूण होता है भ्रूण अवस्था में नोटोकार्ड पाई जाती है, वही बाद में वयस्क अवस्था में वर्टिब्रल कॉलम में यानी कि कशेरुक दंड में परिवर्तित हो जाती है। ये कशेरुक दंड वर्टिब्रल कॉलम इसमें परिवर्तित हो जाती है। इनमें जो है इनके सभी प्राणियों में वास्तविक मेरुदंड एवं अंतः कंकाल पाया जाता है। वास्तविक मेरुदंड पाई जाती है और अंतः कंकाल पाया जाता है, और जीवन की किसी न किसी अवस्था में युग्मित क्लोम दरारें, युग्मित का मतलब पैर में क्लोम दरारें पाई जाती हैं। ये मुख्य लक्षण है। इसके बाद इनके शरीर के ऊपर घने घने बाल, बाह्य कंकाल, और इन प्राणियों में लगभग अंतः निषेचन की क्रिया होती है। तो ये कशेरुकी प्राणियों का जो दूसरा उपवर्ग है वर्टिब्रेटा उसके बारे में बताया। अब इसमें पांच, इस वर्टिब्रेटा को पांच वर्गों में विभाजित किया गया है, उसकी स्टडी कर रहे हैं।